इंडिया और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में खेला गया टेस्ट मैच 2 दिन में ही खत्म हो गया। इस मैच के बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच की आलोचना हो रही है, लेकिन टीम इंडिया के स्टार स्पिनर आर अश्विन ने पिच का बचाव किया है। अश्विन का कहना है कि पिच की आलोचना को बंद कर देना चाहिए। वही अश्विन का कहना है कि पिच को लेकर ज्यादा ड्रामा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, अच्छी क्रिकेट पिच क्या है, गेंदबाज मैच में थे, रन बनाने के लिए बल्लेबाज को अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। निश्चित रूप से इसे लेकर कोई सवाल नहीं है। अच्छी पिच कैसे बनाते हैं, कौन इसे समझा सकता है। पहले दिन गेम स्पिन करेगा और अंतिम 2 दिन स्पिन होगा, ऐसे नियम कौन बनाते हैं। हमें इस बहस को यहीं खत्म कर देनी चाहिए और इसे लेकर ज्यादा ड्रामा नहीं करना चाहिए। वही तीसरे दिन के दौरान अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 400 विकेट पूरे किए। डे नाइट टेस्ट रूप में खेला गया तीसरा टेस्ट मैच 2 दिन में ही समाप्त हो गया और युवराज सिंह के जैसे कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने इस पर भी सवाल खड़े किए। वही अश्विन ने हालांकि युवराज की आलोचना नहीं की। स्टार स्पिनर ने कहा, मेरे ट्वीट का मतलब किसी एक व्यक्ति को लेकर नहीं था। जब मैंने युवराज के ट्वीट को पढ़ा तो ईमानदारी से कहूं तो मुझे बिल्कुल भी गलत नहीं लगा। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि वो कुछ कह रहे हैं या कुछ सुझाव देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा, उनके लिए मेरे अंदर बहुत सम्मान है। मैं आपको बता दें कि टीम इंडिया ने अहमदाबाद टेस्ट को 2 दिन में ही 10 विकेट से जीता था। वही टीम इंडिया 4 मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बना चुकी है। वही इंग्लैंड और इंडिया के बीच 4 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला 4 मार्च को अहमदाबाद के स्टेडियम में खेला जाएगा। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।